24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने थे, जन समस्या निवारण शिविर में 37% समस्याओं का समाधान हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, ये जो है पखवाड़ा लगाए थे आप लोग समस्या निवारण शिविर, कितनी जो है शिकायतें सामने आई हैं इसमें? जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में आयोजित किया गया। जनता की छोटी बड़ी अनेक प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, मौके पर निराकरण हो, लोगों को भटकना ना पड़े इस कार्यालय से उस कार्यालय, यहाँ से वहाँ, जनता के बीच जाकर हर एक वार्ड में, मोहल्लों में जाकर वहाँ सारे प्रकार के समस्याओं का निराकरण, लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, लोगों के आधार कार्ड बने, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया, स्वास्थ्य शिविर लगाया, लोगों की बिजली पानी सड़क की समस्याएं, राशन कार्ड की समस्याएं, इन समस्याओं को एक स्थान पर निपटाने के लिए इतना बड़ा हमने अभियान चलाया। 1,30,000 से अधिक आवेदन आए और 48,000 आवेदनों का, यानी लगभग 37% जो आवेदन आए उसका मौके पर ही निराकरण किया गया और शेष जो आवेदन है उसका क्रमशः निराकरण किया जा रहा है। जो निर्माण से संबंधित समस्याएं उनके निराकरण के लिए हमने 900 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को जारी करने का निर्णय किया है, 450 करोड़ रुपए अधोसंरचना से, 450 करोड़ रुपए की स्वीकृति 15वें वित्त आयोग के मद से, और अब तक 2000 करोड़ से अधिक की राशि इस तरह से नगरीय निकायों को हमारी सरकार बनने के बाद विकास के लिए मिले हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शहर, हमारे नगरीय निकाय सुविधापूर्ण बने, विकसित बने, पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज 24 रायपुर।